आने वाले तीन अबूज मुहूर्तों में से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर शादी आदि कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर चारों ओर शहनाइयों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन इस बार चारों ओर सन्नाटा पसरा पड़ा है। राजधानी के चोमू में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बैंड बाजों की गूंज खामोश है, विवाह स्थल वीरान पड़े हैं। इस दिन सामूहिक विवाह सम्मेलनों का भी आयोजन होता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार एक भी सामूहिक विवाह नहीं हो पाया। अक्षय तृतीया पर हर साल बाजारों में करोड़ों का कारोबार होता था, लेकिन इस बार बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तस्वीर पहले की और एक वर्तमान की। पहले अक्षय तृतीया के मौके पर किस प्रकार की रौनक देखने को मिलती थी, किस प्रकार धूमधाम से शादियां होती थी, शादियों का माहौल देखने को मिलता था, वो दुकानें जहां पर फूलों की बिक्री होती थी, और आज वो दुकानें वीरान पड़ी है, सूनी पड़ी है। विवाह स्थल की बात करें तो विवाह स्थल भी सूने पड़े हैं, मेन गेट पर ताले लटके पड़े हैं। तो वहीं अगर पहले की बात करें तो पहले की आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, किस प्रकार से सहनाइयों की गूंज के बीच बैंड बाजे बारात के साथ शादियों की धूम इस दिन मची रहती थी, लेकिन आज सभी खामोश हैं, पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा है। लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते हुए सारे मैरिज गार्डन बंद है, एक भी शादी नहीं हो पा रही है। गार्डन वालों के, टेंट वालों के बहुत नुकसान लग रहा है, गार्डन का किराया भी लग रहा है और शादियां भी नहीं हो पा रही है। 3 महीने का यही पीक सीजन रहता था और इसी समय शादियां बंद होने से बहुत नुकसान हो रहा है।